नमस्कार दोस्तों, ओवर इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। T20 विश्व कप 2021 के 20वें मुकाबले में इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में आमने सामने थी। इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। ओपनर रिटन दास और मोहम्मद नईम पारी के तीसरे ओवर की लगातार दो गेंदों पर आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए थे। आपको बता दें, पारी का पहला ओवर लेकर मोइन अली आए थे और उसके बाद पारी का तीसरा ओवर भी लेकर मोइन अली ही आए थे और इस ओवर की दूसरी गेंद पर लिटन दास ने उन्हें मिड विकेट के ऊपर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से चूक गए और गेंद हवा में चली गई। लिविंगस्टोन ने भी एक आसान सा कैच लपक कर लिटन दास की पारी का अंत कर दिया। लिटन दास ने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए और उसके बाद तीसरी ही गेंद पर मोहम्मद नईम ने भी मोइन अली के ऊपर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो 30 यार्ड के सर्कल को भी टपा नहीं पाए और क्रिस वोक्स ने एक आसान सा कैच लपका और मोहम्मद नईम भी वापस पवेलियन लौट गया। नईम 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। अब बता दें, 14 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को दो झटके लग गए और दोनों ओपनर वापस पवेलियन लौट गए थे। पावर प्ले के अंदर दोनों ओपनरों का आउट हो जाना टीम को गहरा झटका दे गया। आपको बता दें, इसके बाद जल्द ही टीम का तीसरा विकेट भी गिर गया और पावर प्ले में टीम कुछ खास स्कोर नहीं बना पाई थी। उम्मीद जहां तक थी कि पावर प्ले में टीम 50 से 60 रन तक बनाएगी, लेकिन यहां वो 30 रन भी पार नहीं कर पाए। आपको बता दें, इससे पहले पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। टीम ने ठीक ठाक स्कोर बोर्ड पर लगाया था, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से टीम ने वो मैच गंवा दिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।